मेडल गंगा में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे ओलंपिक खिलाड़ियों को भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने समझा बुझाकर वापस लौटा दिया। काफी देर की मान मुनव्वल के बाद खिलाड़ियों ने सभी मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए। अब मुजफ्फरनगर में होने वाली खाप पंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरने को जबरन समाप्त कराए जाने के बाद रेसलर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और संगीता सहित कई समर्थक पहलवानों के साथ हरिद्वार में हर की पैड़ी पर अपने मेडल प्रवाहित करने के लिए पहुंचे हुए थे। खिलाड़ियों के इस ऐलान से हरिद्वार के प्रशासन में भी हलचल मची है। शाम 6 बजे खिलाड़ी हर की पैड़ी पर पहुंचे और काफी देर तक मौन बैठे रहे। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत हर की पैड़ी पर पहुंचे और खिलाड़ियों को मनाकर अपने साथ ले गए। नव भारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। ये पता लगा कि इन बच्चों ने इतना ठोस कदम उठाया है तो लगातार सब खापों से बात हुई और सबने ये निर्णय लिया कि इन बच्चों को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। हमने इनसे अपील की है कि आप लोगों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, पूरा देश आपके साथ है और ये मेडल किसी की दी हुई जागीर नहीं है, चाहे ब्रजभूषण हो चाहे सरकार हो, ये इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, अपनी मेहनत से जीते हैं। तो इनसे अपील की है कि इस तरह का ठोस कदम ना उठाए। पूरा देश में आक्रोश है और पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटना हुई और उसके बाद परसों जिस तरीके से जंतर मंतर पर घसीट घसीट कर हमारे महिलाओं को, पहलवानों को मारा गया, उसका बदला आने वाले दिनों में सरकार से जरूर लिया जाएगा। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है। जहां देश को सम्मान दिलाने वाली हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो वहां हम आम बेटियों को कैसे सुरक्षित मान लें। आज जो सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार है और जहां पर भ्रष्टाचारियों को, रेपिस्ट को बचाने का काम किया जाता है, एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और ब्रजभूषण को सम्मान दिलाया जा रहा है, वहीं हमारे देश की जो बेटियाँ हैं, पहलवान बेटियाँ, उन पर लाठीचार्ज करी जा रही है, जो कोई पूरा देश देख रहा है। आज जो बड़े बड़े बोलते हैं ना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए ये किया वो किया, आज बेटियां पूरी तरह से कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और उत्तराखंड की तरफ से मैं कहती हूँ कि आज उत्तराखंड की हर बेटी, हर माँ, हर बहन इन पहलवान बेटियों के साथ में है और हमारा लगातार संघर्ष चल रहा है और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम लोग सड़कों पर रहेंगे, सड़कों पर अनशन करेंगे, सड़कों पर हम आंदोलन करेंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे ताकि ये गूंगी बहरी सरकार के आंखें खुलें। और जिस तरह से ये आज दर्दनाक, जो अपना देश को इन्होंने किसी के खैरात में नहीं मिला ये मेडल और आज उन्हें बिल्कुल मायूस होकर ये मेडल को गंगा जी में प्रवाहित करने जा रही हैं तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। वो बैठे हुए जो प्रधानमंत्री हैं अपने आप को बोलते हैं कि मैं बेटियों के लिए, मैं बहनों को के लिए सुरक्षा देता हूँ, कहीं बेटी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, तो आज इनको देख के ये लगता है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ब्रजभूषण को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिस तरह का बचाने का काम ये सरकार करती है ना कि बहू बेटियों को तो लाठी चार्ज करो और यहाँ पर जो है उनको बचाओ, तो लगातार ये एक बार की बात नहीं है, लगातार बेटियों के साथ में ऐसे ही हो रहा है और हम लगातार उन बेटियों के साथ में खड़े हैं। पूरे उत्तराखंड की जनता, पूरे उत्तराखंड की बहू बेटियां इन बेटियों के साथ खड़े हैं। हम बड़ी ईमानदे, हमें देश से निकाल के दिखाओ, हम देश के नागरिक हैं। ये देखिए सभी मेडल अपने इन्होंने नेता है उनको सौंप दिए हैं और ये अब आगे नीचे जाएंगे। खिलाड़ियों ने निर्णय खाप चौधरी को छोड़ दिया, खाप चौधरी को निर्णय सौंप दिया है, लगातार खाप चौधरी हमारे निर्णय ले सब लोग हम उन्हीं के साथ सौंपा है। जाहिर सी बात है कि अभी लड़ाई की लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे। नरेश टिकैत ने समझाया है, इन्हें बताया है कि राष्ट्रीय दरबार में बात करो, आपको इस तरह से नहीं पाया जा सकता, ये आपकी तरफ से है, आपकी मेहनत है, यही बात है कि अब इनको नाराज नहीं समझ कर इनको क्या आश्वासन दिया है, क्या साहब मेडल देगा, मैडम देगा क्या साहब को मेडल अपने पास रख लिए और वो खिलाड़ियों के मेडल हम देश के मेडल हम समझाया जाएगा और उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा गया। खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, आपके लिए पूरा संगठन, पूरा देश संघर्ष करेगा। अच्छा, ये कहा गया था कि यहाँ से विसर्जन करते ही या फिर वहाँ से ही आमरण अनशन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वो भी रणनीति, आगे का रणनीति पूरी खाप चौधरी और सारा डिसीजन आपने फिर से खाप पर छोड़। हाँ, खाप चौधरी जो भी डिसीजन लेंगे सब लोग उनके साथ। आज नरेश टिकैत यहाँ पर दिखे वो काफी कम ऐसे
पैदल मार्चों में दिखे हैं उसको कैसे देखा जाए? ये देखो, ये हमारे देश के सम्मान की बात थी जब पैदल मार्च में चौधरी साहब आए और वो एकदम सारे कार्यक्रम रद्द करके, जब उन्हें पता लगा कि हमारे पहलवान इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे, तो उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके और खाप चौधरी को साथ लेकर वो यहाँ हरिद्वार पहुंचे और मेडल उन्होंने अपने पास रख लिया और अपने पहलवानों को समझा जा रहा पहलवानों के लिए आखिरी दम तक सब लोग संघर्ष करेंगे। पहले जैसे ही पता चला उसके बाद नरेश टिकैत वहाँ से निकल चुके थे। हाँ जी, नरेश टिकैत जी पता लग तो ही एकदम निकल चुके थे और अब बातचीत करके वो चले गए। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि जंतर मंतर तक तो प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, जाने तो नहीं बैठने देंगे, चलो कहीं भी जाने संघर्ष तो करेंगे जी, संघर्ष तो कहीं भी हो सकता, संघर्ष तो यहाँ बैठे ना, यहाँ संघर्ष होगा, खत्म। तरफ से एज ए जिलाध्यक्ष मैं इनसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि इनको जो मेडल मिले हैं ये किसी की कृपा से नहीं मिले, ना सरकार ने दिए हैं ना किसी देश ने दिए, ये इनकी अपनी मेहनत, बरसों की मेहनत, इन्होंने अपना सुख चैन त्याग कर अपनी सुविधाएं त्याग कर दिन रात मेहनत कर ये मेडल प्राप्त किए हैं, ये इनकी अपनी मेहनत पर प्राप्त हुए हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट करने आए हम सब लोग हरिद्वार के हाथ जोड़ के कि कृपया इस मेहनत के मेडल को आप गंगा में नहा पाएँ, ये मेडल आपकी अपनी मेहनत का है और देश का गौरव है। अगर कोई अपराधी जिसके खिलाफ ये धरने बैठी है, एक गुंडे मवाली को बचाने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। अगर आज ये घटना यहाँ घट जाती है हरिद्वार की हर की पैड़ी के क्षेत्र में, तो इससे बड़ा काला दिन हरिद्वार के लिए कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट हों और इन पहलवानों के साथ खड़े हों, क्योंकि ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश की आन बान शान का सवाल है। जब विदेशों के अंदर पदक लेते हुए तिरंगे झंडे को ये ऊपर करते हैं तो प्रत्येक भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से फूल जाता है। और आज ऐसी निरंकुश सरकार बैठी है कि एक तरफ इन पर लाठीचार्ज कर रही है और दूसरी तरफ एक अपराधी जिस पर 40 से ज़्यादा मुकदमे, जो 8 थानों का गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर है, उसको बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी, इनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, जरूर ब्रजभूषण सिंह शरण के पास नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की कोई ऐसी सीढ़ी है, कोई ऐसा लूज पॉइंट है जिसके आगे वो झुके हुए हैं, वरना एक पोस्को का मुलजिम जिसके पोस्को की धारा लगी हुई हो और वो आजाद घूम रहा हो, धमकी दे रहा हो, बड़े ही शर्मनाक बात है। कानून को भी अपना काम करना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो रवैया है इसमें केंद्र मुख्य गृहमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री के इशारे पर, वो बहुत ही शर्मनाक है। आज देश की जनता इनके साथ इकट्ठा हो रही है, लामबंद हो रही है और हम गंगा के घाट पर खड़े होकर एक कसम लेते हैं कि इनकी लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ने का काम करेंगे और किसी कीमत में इनकी लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। हरिद्वार का एक एक नागरिक इनके साथ है। कल भी हमने हरिद्वार चंद्राचार्य चौक पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था इनके समर्थन पे, और अगर आज विनम्रता के साथ बड़े प्रेम भाव के साथ इनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ये मेहनत आपके परिवार की, आपके अपने मेहनत की, देश का गौरव है, कृपया करके इन मेडल्स को गंगा में विसर्जित ना करें, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ नहीं होगा अगर ये विसर्जित होंगे। बाद हम लोग ऐसे नहीं देखा है कभी, ये बहुत बुरा बात है। आज़ादी के बाद अगर हम जानते हैं एक एग्ज़ाम में, मान लीजिए कोई एडुकेशन के एग्ज़ाम में UPSC दे या जॉइंट दे, उसे कितना कोशिश करना पढ़ना होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। और ये जो हमारा देश का गर्व है, बाहर से एथलीट से वो मेडल लेकर आया, तो हमारा जो बंगाल का जो ममता बनर्जी है, CM है, पूरा इसका सपोर्ट में, काल एक रैली भी कर रहा है इसका सपोर्ट में, पूरे बंगाल में सब जगह में इसका सपोर्ट में रैली सब कुछ हो रहा है। खिलाड़ी को कहना है ये, तुम लड़ो, हम पूरा बंगाल तुम्हारा साथ है, पूरा इंडिया तुम्हारा साथ है, सब तुम्हारा साथ है। ये जो उनके साथ में जाती हुई, जो किसानों के साथ में, पहलवानों के साथ में जो जाती हुई, बच्चे, ये हमारे पहलवान जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं हमारी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, इन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया। और ये कुछ भी कदम उठा सके, हमने यही सोची भाई इस तरह का कदम ना उठावे, और हम अनक फनक में यहाँ से गद्दे से यहाँ से आ गए 2 घंटे में, और हम बच्चों को मना कर ले गए, ये बड़े परेशान है। तो हम यही चाह रहे हैं बातचीत, सरकार इस बात को सुने, और एक आदमी के उसमें पूरे भारत को बर्बाद करने के उस पर तुल लिया सरकार, ऐसा कदम ना उठावे। ठीक है सर, खिलाड़ियों के इस ऐलान के बाद मेडल वो गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, क्या सरकार की ओर से किसी तरह की कोई पहल हुई? नहीं, यहाँ कोई पहल कर रही नहीं, इन्हें तो कुर्सी बचानी और कुछ नहीं करना सिवा मान है, वो व्यक्ति विशेष का नहीं है। आप लोगों की मेहनत से मेडल आप लोगों को मिले हैं। हमने प्रार्थना करी है सभी बहनों से, पहलवानों से, कि भाई मेडल जो है वो गंगा में प्रभावित ना करें, मेडल आपका सम्मान है, देश का गौरव है, ये प्रार्थना हमने की है। 5 दिन का समय लिया, इसमें जैसा भी कुछ वो होगी बातचीत, जिम्मेदार आदमी
सभी जिम्मेदार हैं हमारे, सबकी सुलह मशवरा ली जाके, हम अकेले कोई निर्णय ले सकते। हमारे पर तो ये तक ही सौंपी गई, भाई बच्चे वहाँ से है उन्हें उठा जाओ किसी भी तरह से। ये बच्चे हमारी बात मान गए, ये इसी बात के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं बच्चों को, इन्होंने हमारी बात मान ली, बुजुर्ग होने के नाते परिवार के जिम्मेदार होने के नाते इन्होंने हमारी बात मान ली, हम उन्हें बच्चों को लेकर चले। मेडल अब आपके पास? हाँ हमारे पास है, हमारे पास है, हाँ सुरक्षित है, चलो।